बताओ, नाबालिग से आप फायरिंग करवाते हो आप लोग? आप लोगों के कारण तो पुलिस की ऐसी की तैसी हो गई है। कितने राउंड फायर किए? क्या हंस रहे हो जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए हैं? पहले केक खिलाओगे फिर गोली खिलाओगे, ऐसा क्या? और उन छोटे बच्चे को ट्रेनिंग दिया कहीं पे? क्या नाम है आपकी? तो इतनी लंबी चौड़ी आपकी आकृति है, उसके बाद आपको इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? आप धक्का दोगे तो ही आदमी नहीं पड़ जाएगा। नहीं सर, वो एक्चुअली में 17-18 साल से सर, वो एक न्यू ईयर में ऐसी क्या किए न्यू ईयर में जनाब? आप ऐसी से एक फायर गलती से इसको पहले आप बर्थडे पार्टी में लेके आए, बर्थडे पार्टी में इसकी न्यू ईयर पार्टी में लाने की क्या आवश्यकता थी इसकी? उसमें आपने इसमें लोड किया होगा एमनिशन को, लोड करने की क्या आवश्यकता थी? और आपने फायर किया ऊपर, खुला था क्या? खुले में फायर मार दिया ऊपर, मान लो वापसी में गिरने में किसी को चोट लग जाता, किसी बच्चे को, इसको गोली लग जाती तो? हाँ, फायर किससे कराया? आपने खुद किया? मेरे आपके हाथों से हुआ? कितने राउंड फायर किए? क्या जरूरत पड़ी फायरिंग की? मजे में आवाज आई होगी, इसकी आवाज का ही सुनना है तो रिकॉर्ड करके रखा करो, इतने सारे यूट्यूब पे मिलते हैं, उसको चला दिया करो, ढक करके आवाज करेगा। ये पटाखा छोड़ी है भाई, ये आम फैक्ट में आता है, पता है कितना बड़ा अपराध में श्रेणी में आता है। जब समय खराब आता है तो आपके वही बंधुओं ने भेजा होगा पुलिस को। हंस रहे हो जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए हैं। ये कोई कंपटीशन था क्या ओलंपिक का, कि शूटिंग कंपटीशन में गए थे? एक तो रखना ही नहीं चाहिए सब चीजें, चलो रख लिए हो, खतरा है मान लो तो रखे हो, तो उसको क्या न्यू ईयर पार्टी में थोड़ी लहराना है? और उसी दिन दो आदमी किए, मतलब दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड भी हुआ होगा कि आज लेके आएंगे आतिशबाजी करेंगे। बच्चे से करवा दिया आपने? बच्चा नाबालिग था कि बालिग था जिसे फायरिंग करा दिया आपने? छोटा नाबालिग। बताओ, नाबालिग से आप फायरिंग करवाते हो? आप लोग कितना बड़ा अपराध की श्रेणी में जाता है जानते हो? आप नाबालिग से फायरिंग करा रहे हो, उसको ना ट्रेनिंग है ना कुछ है, टेढ़ा मेढ़ा मार देगा, जिसको पार्टी में बुलाया हुआ दो चार आदमी कम हो जाएंगे। हाँ, पहले केक खिलाओगे फिर गोली खिलाओगे, ऐसा क्या? केक खाया है तो गोली भी खाना पड़ेगा वो भी इतने इतने राउंड रखते हो? पांच ही लगती है पता है, एक राउंड सीधा मार दिया ना, पांच छह खत्म हो जाते हैं, निकलते निकलते जाता है वो। पांच गोली कम है, एक गोली एक दुश्मन होता है, पांच राउंड रखे हो तुम तो, ट्रेनिंग किए हो गए तो ट्रेनिंग किए थे ऐसे खरीद लिए? कहाँ पे? दुर्ग पुलिस लाइन में। तो जेल में जाओगे तो दुर्ग पुलिस लाइन का नाम रोशन करोगे? और उन छोटे बच्चे को ट्रेनिंग दिया कहीं पे? ऐसे ही फायर करवा दिए? गलती का कुछ एहसास हुआ है? दोबारा तो करोगे ही नहीं, नहीं तो वहां तो लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, लाइसेंस नियम का उल्लंघन है। कुछ अपनी बात रखना चाहते हो इतने सारे मीडिया बंधुओं के सामने? कुछ अपील करना चाहते हो दूसरे लोगों से जो ये हथियार रखते हैं लाइसेंस भी हथियार, कुछ अपील करोगे उनसे? अपील तो कर लो भाई कि तुम्हारी तरह गलती ना करें, अपील भी नहीं करोगे? तुम चाहते हो वो भी चलाएं, वो भी एंटरटेनमेंट लें? तो क्या बोलना है? देखो, एक तो हथियार नहीं रखना चाहिए, रखा है तो फायर नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कम दोस्त अच्छे बनाने चाहिए। और तुमने कहीं अपलोड पक्का किया होगा तभी तो ये वीडियो आया हमारे पास, तो कहाँ से आया? आसमान से गिर गया, सपने आ गए रात में और सपनों से वीडियो निकला, ऐसा हुआ? कहीं तो किसी रिकॉर्ड किया होगा ना, किसने रिकॉर्ड किया इसको? खुद ही रिकॉर्ड किया तो, क्योंकि वीडियो बनवा, कम से कम ऐसे काम करते हो तो वीडियो बना के तो उसी के रखते ही हो हथियार, दुनिया देखे हथियार है हमारे पास। एक पैसे का बता दो फायदा हुआ आतिशबाजी करने से? ये जो लायन लिखे हो ना शर्ट में, लायन खरगोश बन जाओगे जब पुलिस के हत्थे चढ़ोगे तो? बताओ, बच्चों से फायरिंग कराते हो, हथियार रखते हो, नए साल का आगाज ही आतिशबाजी फायरिंग से करते हो, जैसे साल भर फायरिंग होते रहे, साल भर कानून व्यवस्था बिगड़ते रहे। आप लोगों के कारण तो पुलिस की ऐसी की तैसी हो गई है।
डेली मुझे पीसी लेना पड़ता है, इतना हथियार रखे हुए आप। चले आगे से ध्यान रखे, ठीक है, जो कानूनी कार्रवाई होगी तो होगी। जनता द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 7898815399 पे लगातार आर्म्स का इस्तेमाल करते हुए वीडियो, गलत फर्क पे गलत गाड़ी चलाते हुए वीडियो, हुक्का लेते हुए वीडियो, फोटो भेजे जा रहे हैं, जिसपे दुर्ग पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही। आज एक कार्रवाई में एक महिला जो कि हथियार के साथ फ़ोटो खिंचा रही थी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। एक व्यक्ति द्वारा जो कि लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की गई नए साल में, उसके ऊपर कार्रवाई की गई। कुछ लोग फरार हैं अभी, उनकी पताफाजी की जा रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जनता से मेरी अपील है कि जिनके पास भी लाइसेंस हथियार है, उसको कभी भी बर्थडे, न्यू ईयर, किसी भी सेलिब्रेशन में किसी को धमकाने के लिए दिखाना या फायर करना कानूनी अपराध है, उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी। वैसे ही यूपो से अपील है कि वो देसी कट्टा जो इलीगल मार्केट से ना खरीदें, उसको ना प्रदर्शित करें, अन्यथा आर्म्स एक्ट के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस द्वारा संभव है। जनता से भी लगातार अपील है, कभी भी ऐसे फोटो वीडियो कहीं देखें तो तुरंत मेरे नंबर पर भेजें, दुर्ग पुलिस उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी।